नमस्कार साधकों, एक बार पुनः एक नई और दिव्य चर्चा में आप सबके समक्ष उपस्थित हैं। आज हम लोग देखेंगे आपके जब साधक के अच्छे दिन आने होते हैं तो उनको ये संकेत मिलते हैं जो बताते हैं कि साधक की किस्मत खुलने वाली। तो आप देखेंगे बहुत सारे साधक आपको मिलेंगे, पूजा पाठ करने वाले, स्पिरिचुअलिटी के, अध्यात्म के साधक, कुछ ध्यान समाधि के साधक, कुछ नाम जप के साधक, ऐसे बहुत सारे साधक हैं। तो उन साधकों के साथ उनके आसपास प्रतिदिन कुछ ना कुछ ऐसे घटनाएं घटित होती हैं, कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिन पर हमारा ध्यान तुरंत जाता है, लेकिन कभी कभार ऐसी चीजें हमारे सामने घटित हो जाती जिन पर हम ध्यान नहीं दे पाते। तो धार्मिक मान्यता के अनुसार हमारे आसपास घटित हो रही घटनाएं हमें कई तरह के संकेत देती हैं। इनमें से कुछ घटनाएं तो शुभ और अशुभ दोनों संकेत देती हैं। ज्योतिष शास्त्र में, शकुन शास्त्र में, स्वप्न शास्त्र में बहुत सारी चीजें बताई गई। शास्त्रों में ध्यान साधकों के लिए, योग साधकों के लिए, साधकों के लिए, या कुछ लोग उनको बोल देते हैं कि जो लकी पुरुष है यानी किस्मत वाले पुरुष, इन्हीं को बोला जाता है। तो कहते हैं कि जब कुछ ऐसे अनुभव आते हैं, कुछ ऐसे संकेत आते हैं, अगर साधकों को मिले तो उनको समझ लेना चाहिए उनके भाग्योदय बहुत जल्दी होने वाला है। माँ भगवती, माँ परा अम्बा, माँ लक्ष्मी की कृपा उन पर बरस रही है। तो क्या क्या अनुभव होते हैं तो आइए हम लोग बात करें। यदि सुबह सुबह कोई साधक उठता हो, प्रतिदिन उसे सुबह सुबह शंख की आवाज सुनाई दे तो यह बहुत शुभ संकेत माना जाता है। सुबह के समय शंख की आवाज सुनाई देने का मतलब होता है कि शंख माँ लक्ष्मी के साथ समुद्र से उत्पन्न हुआ है। इसके लिए यह कहा जाता है आपका भाग्य खुलने वाला है, आपका भाग्य खुलने वाला है। ये माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद स्वरूप ही आपको मिलता है, यानी अगर शंख आपको सुनाई दे रही हो सुबह सुबह। नंबर दो, झाड़ू को भी आजकल शकुन शास्त्र की बात करें तो यहां धन का, लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। यदि आप किसी कार्य के लिए बाहर जा रहे हो तो रास्ते में कोई व्यक्ति झाड़ू लगाता दिख जाए, और खास करके यदि कोई सफाई कर्मी दिख जाए तो समझ जाइए कि आप पर भगवान की कृपा होने वाली। आप जिस काम के लिए जा रहे हैं वो आपका काम अवश्य पूर्ण होगा। माँ लक्ष्मी आपके ऊपर मेहरबान है। आपको अगर आप किसी धन के लिए कोई कार्य कर रहे हैं तो जरूर पूर्ति होगी, धन का लाभ आपको अवश्य। आप लोगों ने सुना होगा शकुन शास्त्र में कि अगर महिला है तो बाएं हाथ में, पुरुष है दाहिने हाथ में खुजली होना, यह भी शुभ माना जाता है। इसका मतलब होता है आकस्मिक धन लाभ होता है, आपको कुछ न कुछ अवश्य लाभ होता है। ये सब अनुभव उन्हीं को होते हैं कि जो साधक थोड़ा स्पिरिचुअलिटी में होते हैं। बहुत सारे साधकों को दिन भर खुजली हो रही तो उनको इलाज कराने की आवश्यकता है। ये उन्हीं साधकों के लिए है जिनका मन पवित्र है। समूह में काली चींटियां देख, अचानक घर आंगन में फर्श के ऊपर चींटियों का, काली जो चींटियां होती उनका समूह एक साथ दिखने लगी तो ये बताते हैं कि आपके जीवन में जो कष्ट था उसका समन होने वाला है। आपका जो रुका हुआ कार्य था बहुत शीघ्र ही पूरा होने वाला है। माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बरसने वाली है। जल से भरा पात्र दिखना, आप कहीं जा रहे हो कोई बाल्टी भर के ला। पुराने समय में जब कोई व्यक्ति घर से बाहर जाता था किसी शुभ कार्य के लिए तो माताएं बहने घर के बाहर एक बाल्टी भर करके, एक मटका भर के रख देती तो उसमें कुछ फूल अक्षत डाल देती थी। तो भरा हुआ मटका जो होता है, कलश, खास करके कलश पुराने समय, तब तो बाल्टी हो गई, पुराने समय में कलश होता था, मटका होता था, तो कलश के पूर्ण पात्र जो पूर्ण जल से भरा हुआ है उसके अंदर सारे देवी देवताओं का वास माना जाता। कलश शुभ होता है, यानी कि सारे देवी देवता मिलकर के आपके साथ, आपके ऊपर मेहरबान है। इस प्रकार से ये सब चीजें एक साधक को दिखाई देती हैं, उनको अगर साधकों को दिखती है, स्पिरिचुअल वाले व्यक्ति को, आध्यात्मिक व्यक्ति को दिखती तो उनको प्रसन्न हो जाना चाहिए। कई लोग कहेंगे तो ये चीजें तो बहुत सारी चीजें हमारे साथ होती है, तो अगर आपके साथ होती तो आप कोई दुखी तो नहीं होगी, कोई परेशान नहीं होगी।
यदि आप साधक हैं, अगर ये सब चीजें होती, देखो साधकों के साथ कुछ ऐसी चीजें भगवान बताते रहते संकेत के माध्यम से कि आपको ये करना है ये नहीं करना, आपके लिए शुभ है अशुभ है, तो ये सब चीजों को जानना चाहिए। ये सिर्फ कोरी कल्पना नहीं है, एक ये सब चीजों को एक साधक जान सकता जो जीवन में उतारा है। तो हमें विश्वास है दिव्य चर्चा समझ में आई होगी, समझ में आए तो कमेंट करके अवश्य बताइएगा। आप सबका बहुत बहुत